मारेगांव तहसील के कान्हलगांव गांववासियों ने तहसीलदार के मार्फत जिलाधिकारी को सौंपे निवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया है कि जब तक उनके गांव की मूलभूत समस्याओं का हल नहीं निकलेगा तब तक वह आने वाले चुनाव में अपना वोट नहीं देंगे। राज्य सरकार की ओर से गांव की समस्या का हल निकालने के लिए काफी सारी योजनाओं की शुरुआत की गई, परंतु आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां रास्ते न पानी की समस्या बनी हुई है। मारेगांव तहसील के कन्हालगांव जहां आदिवासी बांधों की संख्या ज्यादा है, वहां रास्ते भी नहीं और पीने का शुद्ध पानी भी नहीं। हालांकि कन्हालगांव सरकार के पेशा अंतर्गत आता है। ग्रामवासी अल्प भूधारक संख्या में आते हैं और उनके भरण पोषण का एकमात्र साधन है मजदूरी। खैरगांव से कन्हालगांव वाई तथा भुर्गी बोर्ड से कन्हालगांव वाई ऐसे लगभग 2.5 किलोमीटर का रास्ता खराब स्थिति में है। विद्यार्थियों को इन्हीं रास्तों से स्कूल जाना पड़ता है। बारिश में इन रास्तों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि विद्यार्थी स्कूल भी नहीं पहुंच पाते। गांव में 2 हैंडपंप है और उसमें से भी एक बंद की स्थिति में है, जिस कारण ग्रामवासियों ने सरकार को इशारा दिया है कि गांव में विकास नहीं तो मतदान भी नहीं। इलेक्शन के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों ने ग्रामवासियों को आश्वासन दिया था सत्ता में आते ही इन समस्याओं को हल करेंगे, परंतु अभी तक किसी भी नेता ने इस गांव की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। ग्रामवासियों ने तहसीलदार मार्फत जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा, जिसमें साफ तौर यह कहा गया है कि गांव के रास्ते और पानी की समस्या का जब तक हल नहीं निकलेगा तब तक वो आने वाले चुनाव में अपना वोट नहीं देंगे। मारेगांव से हमारे संवाददाता दिलदार शेख की रिपोर्ट। माझ्या जन्मापासून 25 ते 35 वर्ष झाले, अजूनपर्यंत आमच्या गावामध्ये जे आमदार खासदार येत होते आणि त्यांनी वोट देण्याचे आश्वासन केलं सुद्धा अजूनपर्यंत आम्हाला पाण्याची आणि रोडची बाजार जावं लागत आहे। एक मोटरसायकल सुद्धा जाऊ शकत नाही अशा परिस्थितीत आम्ही आजपर्यंत दिवस काढले, परंतु आजपर्यंत आमच्या कोणत्याही खासदार आणि आमदारांनी आमचं म्हणजे मान्य केलं नाही किंवा आमचं काम केले नाही। याचपासून आम्ही येणाऱ्या सर्व राज्यसभा विधानसभा कोणत्याही मतदारसंघाचे बहिष्कार घालतो आणि याच्यासमोर आम्ही मतदान करणार नाही। आमच्या गावामध्ये पाण्याची आणि रोडची खूपच अडचण आहे। आम्ही म्हातारे बिमार बनलो तर कोणी येऊ शकत नाही, आम्हाला दवाखान्यातसुद्धा नेऊ शकत नाही, म्हणून आम्ही इथपर्यंत आलो। आता आम्ही याच्या पलीकडे तुम्ही लक्ष नाही द्या तर आम्ही वोटिंग करू नाही। 30 ते 25 वर्षापासून आमच्या गावामध्ये रोड आणि पाण्याची खूप समस्या आहे। ते आमदार खासदार येतात पण ते ना आश्वासन देतात पण काही कोणतेच कामं करून जात नाही। आश्वासन दिले का चालले पण आमचे अजून आमची समस्या पूर्ण झालेली नाही, रोड आणि पाणी। म्हणून आम्ही ह्या कदम उचलला आहे का बहिष्कार टाकाव, आम्ही वोटिंग काही करणार नाहीच। म्हणून ह्यासाठी आम्ही लोकसभा आणि विधानसभेवर बहिष्कार टाकणार आहोत।